नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत कुलती थाना के ब्राकर पुलिस पोस्ट में विगत दिनों हुई घटना, जिसमें एक चोरी के आरोपी की पुलिस हाजत में डेथ हो गई थी, उसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। पूरा ब्राकर शहर 3 दिन से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। 3 आरोपियों में एक की डेथ हो गई थी, एक अभी इलाजरत है और एक लापता है। तो डेथ कर गए आरोपी अरमान अंसारी की बॉडी कल रात में उनके घर पहुंची, जहां पे पहले से ही काफ़ी संख्या में लोग बॉडी आने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया गया। यानी ब्राकर पुलिस हिरासत में जिस युवक की मौत हो गई थी, अरमान अंसारी की, कल सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस बाबत पुलिस आयुक्त आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर काफ़ी सख्त कार्रवाई करते हुए ब्राकर पुलिस पोस्ट के 5 पुलिस अधिकारी और सिविक पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हुए पुलिस अधिकारियों में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ब्राकर पुलिस पोस्ट के प्रभारी भी शामिल हैं। इसमें सिविक वॉलंटियर पे भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भी मारपीट की है, इसलिए उन्हें भी हटा दिया गया है। इन सबों के निलंबन के साथ ही हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है और इस मामले के तहत उनके कार्रवाई भी चलाई जाएगी। इसके साथ साथ विभागीय जांच भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि विगत 3-4 दिन पहले ब्राकर डिसरगोड रोड स्थित PCCL के 8-10 क्वार्टरों में एक साथ चोरी की घटना हुई थी, जिसके आधार पर ही ब्राकर पुलिस ने उक्त 3 युवकों को आशंका के आधार पर पकड़ के लाया था और पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान ही आरोप है कि उनके साथ काफ़ी मारपिटाई की गई, जिसके कारण ही अरमान अंसारी की मृत्यु हो गई और दूसरा आरोपी श्यामल बावरी आसनसोल जिला अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया और एक सनोज श्रीवास्तव जो लापता बताया जा रहा है, उनके परिवार उन्हें खोज रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। যে এখানে ঘটনাটা হয়েছে ব্রাকার ফাড়িতে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে 5 জন পুলিশ অফিসার আমার কমিশনারেট থেকে এটা সাসপেন্ড করা হয়েছে। ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন হয়েছে, ওদের ডিসিপ্লিনারি একটা ইনকোয়ারি করা হবে। এছাড়া 5 জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম পাওয়া গেছে যারা যুক্ত আছে, ওদের ডিমোবিলাইজ করা হয়েছে। এটা ইমিডিয়েট অ্যাকশন এটা ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে করা হয়েছে। তারপরে একটা কমপ্লেন্ট পাওয়া গিয়েছিল, কমপ্লেন্ট উপরে একটা FIR করা হয়েছে। FIR ইনভেস্টিগেশন কমিশনারেটের যে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে ওরা ইনভেস্টিগেশন করছে। এছাড়া কিছু লোক এক দো ওর যে লোক আছে ওরা
দেখা যাচ্ছে কি আছে হসপিটালে ভর্তি আছে, ওদেরও যতটা সাহায্য করা হোক ওদের ট্রিটমেন্টে ওটা করা মানে ওটাকে আপনার তরফ থেকে করা হবে, ওটা ওদের সাহায্য করা হবে, পুলিশের তরফ থেকে করছে, পুলিশ সাহায্য করছে। থ্যাংক ইউ স্যার।